जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग। दोस्तों, आप लोगों का दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आज जिन लोगों को नहीं पता है कि मथुरा में जो खुला है लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल और पूर्व सैनिक देंगे अब वहाँ पर प्रशिक्षण, तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो है लड़कियों के लिए वहाँ पर जो है ये सैनिक स्कूल ओपन किया गया है। आई होप वीडियो को आप पूरा देखना, पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छी लगेगी तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको मेरा जय हिंद और राम राम। चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो कृष्ण और राधा की धरती मथुरा की पहचान अब यहाँ की लड़कियों से भी होगी दोस्तों। महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में मिशन शक्ति एक शानदार उदाहरण है। समाज को सशक्त बनाना है तो पुरानी सोच से बाहर आना होगा दोस्तों यहाँ पर। और अब यह बात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वृंदावन में खुल रहे जो देश में जो लड़कियों के पहले सैनिक स्कूल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा है। साध्वी जो रितवंद्रा है, उन्होंने उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है स्थापित जो है वात्सल्य ग्राम परिसर में इस दौरान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव जो भी वो भी मौजूद रहे हैं यहाँ पर। और जो मथुरा में जो वृंदावन में देश का जो पहला जो है कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, यहाँ जो शुरू हो रही है देश की सबसे पहले सैन्य बालिका स्कूल से बेटियाँ जो है वो तप कर निकलेंगी और उन्हें जो है CBSE जो पाठ्यक्रम है उसके साथ जो है आर्मी ट्रेनिंग भी यहां पर उनको दिलाई जाएगी। तो 120 सीटों के लिए जो है इसी महीने यहां पर जो परीक्षा होने वाली है और यहां पर इसका जो लोकार्पण है वो 1 जनवरी को जो है साध्वी जो है रितवंद्रा के जीवन के जो 60 साल पूरे होने पर जो है आयोजित जो है जो षष्ठी पूर्ति महोत्सव में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है किया है दोस्तों। यहाँ पर देश का पहला जो है कन्या सैनिक स्कूल जो है सोमवार को जो है यहाँ पर वृंदावन में खुला है। तो इस दौरान जो है स्वामी परमानंद जो है प्राकृतिक चिकित्सालय का जो है वो भी लोकार्पण जो है योगी जो यहाँ पर योग जो है गुरु रामदेव जो रामदेव ने बाबा जी ने किया है, जो साध्वी द्वारा स्थापित जो यहाँ पर जो है वात्सल्य ग्राम परिसर में जो है संबित गुरुकुलम जो है बालिका सैन्य विद्यालय जो है आरंभ हो गया है। और वात्सल्य ग्राम के प्रवक्ता उमाशंकर राही ने भी बताया है कि विद्यालय में 120 सीटें हैं और इसके एडमिशन के लिए जो है राष्ट्रीय टेस्टिंग जो एजेंसी परीक्षा कराती है। तो इसी महीने 21 जनवरी को लिखित परीक्षा होगी जिसमें जो है सफल अभ्यर्थियों को जो है ई काउंसलिंग होगी और उसके ऊपर मेरिट लिस्ट जो है बनेगी। अगला सत्र जो है अप्रैल से शुरू होगा। बेटियों के जो यहाँ पर 3 बैच बनाए जाएंगे और बेटियों को जो है यहाँ पर CBSE शिक्षा के साथ जो है सैन्य शिक्षा, खेलकूद और जो है वादा प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। पूर्व सैनिकों और NCC की तरफ से जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा सैनिक स्कूल की सोसाइटी द्वारा तय मानकों के आधार पर जो वादा परीक्षण के लिए जो है मैदान भी तैयार कराया जाएगा। स्कूल में जो है स्केटिंग, वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग, घुड़सवारी भी जो है बालिकाओं को करवाई जाएगी बालिकाओं को। और यहाँ पर जो चयनित लड़कियों की जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी होगी तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको तक टाइम से पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।